हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईएसओ ट्यूटोरियल में। और आज का टॉपिक है मेटल डिटेक्टर वैलिडेशन अकॉर्डिंग टू एफएसएससी। इस वीडियो का पार्ट वन है और पार्ट वन में हम इस स्टडी को जारी रखेंगे कि मेटल डिटेक्टर का वैलिडेशन किस तरह से करना है और हमारी इंडस्ट्री में इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और क्यों है। सामने स्क्रीन पे 1.2, 1.5, 1.8 एंड 2, ये क्या है? ये बेसिकली मेटेलिक कंटामिनेशंस के लिए जो हम लोग स्टैंडर्ड साइज रखते हैं कि इतने से कम अगर आएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज कुछ इसी तरह की बात होगी कि ऐसा क्यों करते हैं और क्या ऐसा करना चाहिए कि हमने कोई स्पेसिफिक साइज बनाया है और वो इंटेंडेड पर्पस हमारा सॉल्व कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। GFSI की रिक्वायरमेंट फॉर मेटल डिटेक्शन। GFSI ग्रुप ऑफ अप्रूव्ड स्कीम्स सेट आउट वेरी प्रिस्क्रिप्टिव रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंट्रोल ऑफ पॉसिबल फूड फॉरन बॉडी हजार्ड्स। द रिक्वायरमेंट सेट ऑफ आउट ऑफ द नीड टू हैव इन प्लेस मेटल डिटेक्शन सिस्टम बेस्ड ऑन द रिस्क। इट मीन्स यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस रिस्क, नॉट इवन हजार्ड। ऑल्सो इट कवर्स द लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट, रिजेक्ट सिस्टम प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाई चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शंस। वैलिडेशन ऑफ मेटल डिटेक्टर। द टर्म वैलिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वैलिडस। इन ऑर्डर टू कंट्रोल हजार्ड रिलेटेड टू फूड, मॉनिटरिंग मेजर्स आर यूज थ्रू आउट द एंटायर फूड चेन फ्रॉम प्राइमरी प्रोडक्शन। इन दिस केस वैलिडेशन ऑफ द मॉनिटरिंग मेजर्स CCP और CP इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रू वैलिडेशन यू गेट प्रूफ दैट द कंट्रोल मेजर और कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल मेजर सिलेक्टेड फॉर ए पर्टिकुलर हजार्ड और रिस्क इज एबल टू कंट्रोल दिस हजार्ड। दिस कैन ओनली बी असेस्ड और वैलिडेटेड इफ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड असेस्ड ओवर ए डिफाइंड पीरियड विच प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द CCP। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज ए CCP इन द एरिया ऑफ मेटल डिटेक्शन and there are increased complaints related to metallic foreign bodies, hence this is an indication that the CCP is not valid. Now we would like to introduce about food safety concept. Food safety concept means that the food will not cause harm to the consumer when it is prepared or eaten according to its intended use. अब बात करते हैं टर्म हजार्ड। टर्म हजार्ड इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद द टर्म रिस्क। टर्म रिस्क इज डिफरेंट एंड हजार्ड इज डिफरेंट। व्हाट इज रिस्क? रिस्क इज ऑफन करेक्टराइज्ड बाय द रेफरेंस टू पोटेंशियल इवेंट्स। अगर कोई भी चीज पोटेंशियली हार्म नहीं कर रही है तो वो रिस्क के बेस में कैलकुलेट नहीं होती है। और अगर बात हजार्ड या फूड सेफ्टी हजार्ड की करें तो ये गाइडलाइन रिस्क के माध्यम से ISO की गाइड 73/2009 में आपको अच्छी तरह से मिल जाएगी, आप वहां पे देख सकते हैं। बात आती है इम्पोर्टेंट फूड सेफ्टी हजार्ड के बारे में। फूड सेफ्टी हजार्ड, रिलेवेंट फूड सेफ्टी हजार्ड आर दोज दैट कैन बी प्रेजेंट इन एंड और इन फूड और फूड इंग्रेडिएंट्स। बेसिकली अगर केवल हजार्ड की बात करें तो फूड के टर्म के हिसाब से वो एकदम करेक्ट टर्म नहीं है, क्योंकि हमको मतलब है फूड सेफ्टी रिलेटेड चीज़ों से, तो फूड सेफ्टी हजार्ड इसके लिए एक्यूरेट टर्म है। एक टर्मिनोलॉजी नोट नंबर 4 में ISO 22000:2018 में दिखाई है। रिस्क इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कंसिक्वेंसिस ऑफ एन इवेंट इंक्लूडिंग चेंजेस इन सर्कमस्टांसिस। मतलब रिस्क जो टर्म है वो एक कॉम्बिनेशन के रूप में प्रस्तुत की गई है, जो कि एक इवेंट जिसमें कि आपका किसी भी सर्कमस्टांस का चेंज होना भी शामिल रहता है और वो निश्चित रूप से एसोसिएट है, मतलब जुड़ी हुई है उसके लाइकलीहुड से। अगर लाइकलीहुड और उसका सेवेरिटी दोनों में जब डिफरेंस को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिस्क कैलकुलेट हो जाता है, और ये गाइडलाइन आपको ISO की गाइड में ज़रूर मिल जाएगी। एक नोट नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है। फूड सेफ्टी रिस्क इज ए फंक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी
ऑफ एन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, मतलब कि फूड सेफ्टी जो रिस्क है वो एक फंक्शन है उसकी संभावनाओं के साथ में, जो कि एडवर्स हेल्थ इफेक्ट दर्शाते हैं, और सेवेरिटी ऑफ दिस इफेक्ट, मतलब कि उसका प्रभाव जितना भी आता है उसके बाद। कोडेक्स के प्रिंसिपल में और प्रोसीजरल मैनुअल में भी आप इसको अच्छी तरह देख पाएंगे। रिस्क मैट्रिक्स क्या होती है? रिस्क मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है दैट इज यूज ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट टू डिफाइन द लेवल ऑफ रिस्क बाई कंसिडरिंग द कैटेगरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड अगेंस्ट द कैटेगरी ऑफ कंसिक्वेंस सेवरिटी। मतलब कि ये इस तरह की एक मैथमेटिकली मैट्रिक्स डिजाइंड होती है जिसमें कि आप मार्किंग कर सकते हैं, ए बी सी नंबरिंग कर सकते हैं, नंबर आप इसमें दे सकते हैं, और उसके आधार पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपके प्रोसेस के हिसाब से ये सेवेरिटी ज़्यादा होगी या ये कम होगी। ये ऑप्शनल होती है, आप चूज करके मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको अलग कर सकते हैं। बात करें कि क्या रिस्क मैट्रिक्स वास्तव में एग्जिस्ट होती है? हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट होती है, और यूएस डिफेंस में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, वहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मैथमेटिकल इंडक्शन के माध्यम से प्रोबेबिलिटी और सेवेरिटी को जब चेक किया गया तो उन्होंने रिस्क असेसमेंट के जो किया उनसे उनको काफ़ी बेनिफिट्स हुए और उन्होंने डिफेंस को बहुत मजबूत किया। दूसरा, नासा ने इसको डेवलप किया, रिस्क मैट्रिक्स को बहुत अच्छी तरह से मैथमेटिकल तरीके से इसको यूज़ किया। और फिर तीसरा, इसका यूज़ आईएसओ ने किया, और आईएसओ की एक फैमिली स्टैंडर्ड जो है ISO 31000 एक फैमिली स्टैंडर्ड है रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। एक एग्जांपल सामने है हजार्ड असेसमेंट की मेथडोलॉजी का, जो जनरली आप फूड सेफ्टी हजार्ड का जब आप असेसमेंट करते हैं तो आप उसको इस कैटेगरी को देखते हैं। एक साइड में सेवेरिटी ऑफ हजार्ड लिखा होता है, दूसरी साइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ हजार्ड्स लिखा होता है। अगर सेवेरिटी ऑफ हजार्ड में लो, मीडियम और हाई कैटेगरी है तो सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ हजार्ड में भी लो, मीडियम और हाई होगा। लो और लो की कैटेगरी को नॉन सिग्निफिकेंट कहा जाता है, लो और मीडियम की कैटेगरी को भी नॉन सिग्निफिकेंट कहा जाता है, लेकिन जब मीडियम से मीडियम की कैटेगरी आएगी तो वो सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट आप अपने प्रोसेस के ऑप्टिमाइजेशन के तरीके से ले सकते हैं, उसको सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब मीडियम और हाई के साथ आप करेंगे तो ये सिग्निफिकेंट ही आएगा, मतलब कि डेफिनेटली फूड सेफ्टी सिस्टम को वो हार्म कर सकता है। इसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा कि जब आप कैटेगराइज कर लेते हैं रिस्क को तो उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं कि ये आपके फेलियर के लिए फंक्शनिंग है, आपकी सेवेरिटी कंसिक्वेंस की कैसी दिखा रही है, इफेक्ट क्या है आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट फूड सेफ्टी हजार्ड्स के ऊपर, और उसकी लोकेशन किस तरह की है। इसमें चार एक कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और चार स्पेसिफाइड क्वेश्चंस होते हैं, उनके जवाब देने के बाद में आप एक एक्चुअल नंबरिंग कर पाते हैं। लेकिन बात केवल यहीं समाप्त नहीं होती है, ये एक फाइनल है कि आपने किसी भी प्रोसेस को देखकर उसमें सीसीपी या ऑपरेशनल पी ओपीआरपी या उसको फिर पीआरपी की कैटेगरी में डाल दिया। बात यहाँ पे ये उठती है कि अगर किसी भी प्रोसेस में आपने उसको सीसीपी बना दिया और सीसीपी बनाने के बाद में फिर आपको ये लगा कि ये हमारे प्रोसेस के हिसाब से वैलिडेट हो ही नहीं पाया, तो ऐसे पॉइंट पे सीसीपी बनाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कि आईएसओ 22000:2018 में लिखा है क्लॉज नंबर 8, जो कि ऑपरेशन से रिलेट करता है, इसका सब क्लॉज है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसमें क्लियर क्या लिखा है? द ऑर्गेनाइजेशनल शेल प्लान इंप्लीमेंट कंट्रोल मेंटेन एंड अपडेट द प्रोसेस नीडेड टू मीट रिक्वायरमेंट्स फॉर द रियलाइजेशन ऑफ सेफ प्रोडक्ट एंड टू इंप्लीमेंट द एक्शंस डिटरमाइंड इन क्लॉज 6.1। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करना होगा, इम्प्लीमेंट भी करना होगा, कंट्रोल भी करना होगा, मेंटेन करना होगा, और समय समय पे अपडेट करते रहना होगा प्रोसेस को, उससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट को, और पूरे प्रोसेस के माध्यम से सेफ प्रोडक्ट के लिए। अब जब रेगुलर बेसिस पे पीडीसीए साइकिल में ये चीज़ मेंटेन करनी है तो बात इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको कंट्रोल मेजर का वैलिडेशन करना होता है। इसका अगर आपको समझ आ गया
तो आप सीधी सी बात है कि आप उसको सीपी या सीसीपी कुछ ना कुछ तो बनाएंगे, लेकिन जब आप वैलिडेशन करेंगे कंट्रोल मेजर का, तो उसमें एक मुख्य पार्ट आता है मेटल डिटेक्टर का। मेटल डिटेक्टर का वैलिडेशन करने के लिए बहुत, इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अलग अलग मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक मेथोडोलॉजी ऐसी है जिसका कि सहारा सब लोग लेते हैं, जो कि है USFDA की गाइडलाइन। USFDA के गाइडलाइन में चैप्टर नंबर 20 में मेटल इंक्लूजन से एक टॉपिक दिया गया है, लेकिन उस टॉपिक में जो बात लिखी है वो काफ़ी हैरान करने वाली है। वो ये है कि फ्रेगमेंट जो कि 0.3 इंच, मतलब कि 7 mm से लेके 1 इंच या कि 25 mm के बीच हैं, वो इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि उनमें रेगुलेटरी एक्शन लिया जा सकता है। और अगर उससे नीचे की बात करें तो इन्होंने बोला है कि मेटलिक कंटामिनेशन आपको कॉज कर सकती है ट्रॉमा और सीरियस इंजरी, जिसमें कि डेंटल इफेक्ट वगैरह वो सारे चीज़ें आ सकती हैं, जिसमें कि सर्जरी तक भी पेशेंट को हो सकती है। तो ये बात कहीं पे भी वैलिडेशन वाले डॉक्यूमेंट को सपोर्ट नहीं करती है। जब ये वैलिडेशन को सपोर्ट नहीं करेगी तो बात आती है कि अब हमको क्या करना है, हमको इस स्टडी को और ज़्यादा आगे इन डेप्थ में जाना होगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हम मेटल डिटेक्टर लगाते हैं तो एपर्चर हाइट ऑफ मेटल डिटेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर मेटल डिटेक्टर की हाइट, एपर्चर हाइट का मतलब है कि जो वो एरिया होता है जहाँ से कि हमारा कन्वेयर चलता है और प्रोडक्ट उस पर रन करता है, और उस कन्वेयर से लेके उसके हेड तक की हाइट को हम अपर्चर हाइट बोलते हैं। अगर अपर्चर की हाइट 50 mm है, तो ये मान के चलिए कि ड्राई प्रोडक्ट में फेरस और नॉन फेरस में 1 mm तक आप एकदम सेफ हैं, मतलब कि उसमें संभावना है कि वो एक्यूरेट आपका काम करेगा। लेकिन अगर यही बात वेट प्रोडक्ट की हो जाती है, स्लरी बेस्ड प्रोडक्ट की हो जाती है, या फिर और जूस टाइप के प्रोडक्ट की होती है, तो ये सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब कि वो उस प्रोमिनेंट फीचर में आपके लिए एक्यूरेट काम नहीं कर सकता, जिसके के लिए आपको 1.5 mm का आपको रखना होगा डायमीटर। वेट प्रोडक्ट के लिए अगर नॉन फेरस की बात करें, यहाँ पे एफ ई की बात, यहाँ पे नॉन फेरस की बात करें, तो ये और बढ़ जाता है, जैसे कि 2 mm हो जाता है। उसी तरह से अगर आपकी अपर्चर हाइट बढ़ेगी, इट मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट हाइट भी बढ़ रही होगी, तभी आपने अपर्चर हाइट बढ़ा के रखी है, तो ये कंसिक्वेंटली आपका बढ़ेगा, 1.5 mm हो जाएगा वेट प्रोडक्ट के लिए, 2 mm, और यहाँ पे 2.5 mm, और अगर ये और बढ़ेगा तो 200 अगर मिलीमीटर आप इसको करते हैं, तो ये 2 mm, 2.5 और 3 mm। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा मेटल डिटेक्टर ड्राई प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा एक्यूरेट काम करता है और कम सेंसिटिविटी इसमें आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका प्रोडक्ट वेट होगा, मॉइस्चर कंटेंट उसमें आएगा, तो उसके लिए संभावनाएं कम होंगी कि उसको साइज को अच्छी तरह से वो डिटेक्ट कर पाए। ये एक बात रही। दूसरी बात यह है कि हमको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि फेरस, नॉन फेरस और एसेस के ग्रुप कौन कौन से हैं। हाउ मेनी आर मेन ग्रुप फॉर मेटेलिक कंटामिनेशन? देर आर 3 मेन ग्रुप ऑफ मेटेलिक कंटामिनेशन। नंबर 1 फेरस। फेरस इज बोथ मैग्नेटिक एंड कंडक्टिव। मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक मतलब चुंबकत्व का गुण और कंडक्टिव मतलब चालकता। ये बात निश्चित है कि मेटल डिटेक्टर में मैग्नेटिक भी फील्ड, मैग्नेटिक चीज़ों को भी पकड़ा जा सकता है और कंडक्टिव चीज़ों को भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन फेरस जो है वो मैग्नेटिक ज़्यादा है, कंडक्टिव लेस है, लेकिन वो आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन नॉन फेरस में ऐसा नहीं है। नॉन फेरस इज नॉन मैग्नेटिक बट एक्सीलेंट कंडक्टर। नॉन फेरस मटेरियल जितने भी होंगे वो कंडक्टर अच्छे होंगे, गुड होंगे, या तो बहुत अच्छे कंडक्टर होंगे, लेकिन वो मैग्नेटिक नहीं मिलेंगे, रेयर केस में मिलेंगे। सो ये भी रिलेटिवली इजीली डिटेक्टेड हो जाता है। लेकिन अगर बात एसएस की करें, इट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट कंटामिनेंट टू डिटेक्ट एज इट इज़ यूजुअली नॉन मैग्नेटिक और ए पुअर कंडक्टर। मतलब कि नॉन मैग्नेटिक होते हैं, चुंबकत्व का गुण नहीं होता है, और ये बहुत ज़्यादा कमजोर कंडक्टर होते हैं, मतलब इनमें चालकता बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। आमतौर पे इंडस्ट्री में 304 और 316 ग्रेड की एसएस यूज़ होती है, जो कि इन सब चीज़ों के लिए, प्रोडक्ट के लिए वो अपने प्लांट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कंडक्टर वो अच्छी नहीं है बिल्कुल भी।
अब थोड़ा सा बात एसएस की अगर कर रहे हैं तो स्टेनलेस स्टील कम्स विद वेरियस ग्रेड, सम ऑफ विच आर मैग्नेटिक वेयरिंग टू टोटली नॉन मैग्नेटिक. देयर कंडक्टिविटी ऑल्सो वेरीज बट इट इज जनरली लो. बट फैक्टर कंट्रीब्यूट टू पुअर डिटेक्शन. जैसा कि मैंने आपको बोला था, प्रोसेसिंग प्लांट इन द फूड एंड फार्मा इंडस्ट्रीज यूज द टू मोस्ट कॉमन ग्रेड 304 एंड 316. द डिटेक्टेबिलिटी ऑफ दिस ग्रेड्स आर फर्दर हिंडर्ड व्हेन द प्रोडक्ट इज आइदर वेट कंटेनिंग ए हाई साल्ट कंटेंट और बोथ. अगर प्रोडक्ट वेट है, मैंने आपको बोला ही था, और अगर प्रोडक्ट में हाई साल्ट कंटेंट है तब भी ये डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम करेगा. मतलब कि आप केवल और केवल मशीनिंग करके ही इसकी मैग्नेटिंग इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा काम का नहीं है, क्योंकि इसको भी बढ़ाने से 1:1.5 से अगर आप डिटेक्टिविटी बढ़ा पाए तो 1.25 तक ही कर पाएंगे, जिसका कि कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है. फॉर रिस्क कैलकुलेशन सबसे पहले जानना पड़ेगा मेटल डिटेक्टर को. फंक्शन ऑफ मेटल डिटेक्टर आप जानते हैं. मेटल डिटेक्टर इज टू डिटेक्ट द मेटल एंड ड्रॉप द अफेक्टेड मटेरियल इन द एग्जैक्ट टाइम फ्रेम. मतलब कि मेटल डिटेक्टर का काम क्या है, मेटल को डिटेक्ट करना और उस एग्जैक्ट टाइम फ्रेम में उस रिजेक्टेड प्रोडक्ट को गिरा देना. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेटल चेक्ड बाय मेटल डिटेक्टर. जनरली इन फूड इंडस्ट्री मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डज द रिस्क असेसमेंट विद दीज फैक्टर ओनली. नाउ वी शुड हैव टू नो अबाउट द एफई, नॉन एफई एंड एसएस. कैसे? फेरस मीन्स जनरली कंटेनिंग आयरन. फेरस इंडिकेट्स ए कंपाउंड दैट कंटेन्स आयरन इन प्लस टू फॉर्म, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एफई प्लस टू. इट इज अपोज टू फेरिक मीन्स एफई प्लस थ्री, सच एज ट्राइवेलेंट कैटाइन्स. दिस यूसेज हैज बीन लार्जली रिप्लेस्ड बाई द फेरस ऑक्साइड दैट इज एफ ई ओ फॉर फेरिक ऑक्साइड, एफ ई टू ओ थ्री एंड आयरन फॉर द ऑक्साइड. मतलब कि फेरस में आप जनरली देखेंगे जो मटेरियल आयरन को कंटेन करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि उनमें आयरन होगा ही होगा, वो किसी भी स्टेट में होगा लेकिन वो फेरस कंपाउंड में आएगा. नॉन फेरस में एक एग्जाम्पल आपके सामने, मेटल एलॉय, प्रीसियस मेटल और रेयर मेटल. मेटल में एल्यूमिनियम लेंगे आप, कॉपर, लेड, निकिल, टिन, टाइटेनियम और जिंक. अगर इसके एलॉय की बात करें तो वो ब्रास होगा. प्रीसियस मेटल में गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम. अगर मेटल डिटेक्टर में बात करें तो नॉन एफी गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम को भी सेंस करेगा, वो नॉन एफी की कैटेगरी में ही आएगा. रेयर मेटल में कोबाल्ट, मरकरी, टंगस्टन, बेरिलियम, बिस्मिथ, सीरियम, कैडमियम, इंडियम, गैलियम, इस टाइप के मटेरियल जितने भी हैं वो रेयर मेटल में, और आते भी हैं तो वो नॉन एफी वाले पार्ट में ही जाएंगे. कुछ और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि जैसे कि प्रोसेसिंग प्लांट में देखते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन या गैल्वेनाइज्ड एसएस. गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है. गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन. मतलब कि अगर आप स्टील या आयरन पे गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, मतलब कि जिंक की कोटिंग कर देते हैं, किसको प्रिवेंट करने के लिए, रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए, तो इसको आप गैल्वेनाइज्ड बोलते हैं. सिंपल सी बात है, या तो वो आयरन होगा या तो वो एसएस होगा. अगर वो एसएस की कैटेगरी में है तब भी वो नॉन एफई में ही आएगा, और आयरन की कैटेगरी में तो वो दोनों कैटेगरी में आ जाएगा. मतलब कि इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, डिटेक्टेबल आसानी से है. नॉन एफई कास्ट आयरन की अगर बात करें, कि कास्ट आयरन का एक ग्रुप है, आयरन कास्ट जो कार्बन एलॉयज होते हैं उनका एक ग्रुप है, वो कंपोनेंट है जो कि ग्रेटर देन 2% है कार्बन कंटेंट, उनको आप कास्ट आयरन बोल सकते हैं. इट्स यूजफुलनेस ड्राइव्स फ्रॉम द रिलेटिवली लो मेल्टिंग टेम्परेचर. मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत कम होता है इसका, इसीलिए इसको प्रोडक्ट में ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं. द एलॉय कंस्टिट्यूएंट्स अफेक्ट इट्स कलर व्हेन फ्रैक्चर्ड. व्हाइट कास्ट आयरन हैज कार्बाइड इम्प्योरिटीज विच अलाउज क्रैक्स टू पास स्ट्रेट थ्रू. ग्रे कास्ट आयरन हैज ग्रेफाइट फ्लेक्स विच डिफ्लेक्ट ए पासिंग क्रैक एंड इनिशिएट काउंटलेस न्यू क्रैक्स एज द मेटेरियल ब्रेक्स. कार्बन रेंजिंग फ्रॉम 1.8 to 4% बाई वेट एंड सिलिकन 1 to 3% बाई वेट आर द मेन एलोइंग एलिमेंट ऑफ कास्ट आयरन. मैक्सिमम आपको यही मिलेगा कास्ट आयरिंग में कि 1.8 से 4% के बीच इसका होता है. अब बात अगर करें कार्बन स्टील की, तो कार्बन स्टील तो इसमें भी अलग अलग रेंजिंग के आधार पे प्रोसेस में मिल सकती है. जैसे कि लो कार्बन स्टील 0.05 से लेके 0.25% तक कार्बन होगा.
जो कि प्लेन कार्बन स्टील होती है, एक मीडियम कार्बन स्टील जिसमें कि 0.3 से 0.6% के बीच में होगा, हाई कार्बन स्टील में 0.6 से 1% के आसपास होता है। प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाला मेटल है ये भी। अब कुल मिला के ये बात होती है कि मेटल डिटेक्टर की प्रॉपर्टीज में पोजीशन क्या होनी चाहिए मेटल डिटेक्टर की। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका हेड, जो कि जहाँ से कि कॉइल वर्क करती हैं। इसमें एक एक ट्रांसमीटर और दो दो कॉइल लगी होती हैं, और उसके बाद में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट ये सामने अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये और ये बीच वाला पार्ट जहाँ पे कि इसकी इस तरह से और इस तरह से डायगोनल क्रॉस होते हैं, ये पार्ट सबसे कम सेंसिटिव होता है और यहाँ पे प्रोडक्ट के सेंस होने के चांसेस सबसे कम होते हैं। तो डिटेक्टेबल एरिया में हमको याद रखना है, ध्यान रखना है कि वैलिडेशन के टाइम में इस चीज़ को भी नोटिस किया है, ये वाला पार्ट जो है ये अपर्चर है इसका, और हमको नोटिस करना है कि हमारे प्रोडक्ट के आने के चांसेस ऐसा तो नहीं है कि जस्ट इसके मिडिल में ही आ रहा है। तो थिकनेस और उसकी हाइट पे डिपेंड होती हैं सारी चीज़ें, और हमको वैलिडेट करने टाइम पे इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना होता है। ऑसिलेटर वर्किंग एक एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझें, देखें कि मेटल डिटेक्टर किस तरह से काम करता है, तो एक सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कॉइल वर्किंग करती हैं और हमको कंटामिनेंट का पता चल जाता है। नॉन एफी फेरस और एसएस में कंपेटेबिलिटी क्या है मेटल डिटेक्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अलोंग द लेंथ एंड अक्रॉस द लेंथ प्ले वाइटल रोल इन द डिफरेंट सेगमेंट एज एफी इज इजीली डिटेक्टेबल व्हेन इट इज अलोंग द कन्वेयर। अगर आप सामने यहाँ पे देखें तो ये ए पॉइंट है और ये एक छड़ है। मान लीजिए ये एक छड़ है जिसमें कि फेरस कंटामिनेशन है या फिर नॉन फेरस कंटामिनेशन है। अगर इस दिशा में ये है तो देखिए फेरस के लिए ये इजीली डिटेक्टेबल है, लेकिन ये वाली छड़ जो कि हमारी कन्वेयर की हिसाब से अगर देखा जाए तो अक्रॉस है और ये डिफ़िकल्ट है। नॉन फेरस में ए वाली पोजीशन में आप देखेंगे ये सीधा वाला डिफ़िकल्ट है और एसएस में भी डिफ़िकल्ट है, मतलब नॉन फेरस और एसएस दोनों में ये चीज़ अपोजिट है फेरस के। ये इसलिए है क्योंकि केवल फेरस ही मैग्नेटिक एक प्रॉपर्टी क्रिएट करता है और वो कंडक्टिव भी है, इसीलिए उसमें सीधा अगर कोई भी छड़ जाएगी या लेंथ अकॉर्डिंग टू लेंथ जाएगा तो आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन नॉन फेरस और एसएस में ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बिकॉज ऑफ इट्स कंडक्टिव नेचर। तो ये चीज़ भी वैलिडेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान और समझ रखने की वाली बात है, क्योंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक अगर है फेरस क्रोम है तो गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, ईजिली डिटेक्टेड है। नॉन फेरस में नॉन मैग्नेटिक है लेकिन जनरली गुड और एक्सीलेंट कंडक्टर है, रिलेटिवली ईजिली डिटेक्ट हो जाता है। और एसएस यूजुअली नॉन मैग्नेटिक है, पुअर कंडक्टर है, रिलेटिवली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट है। फेरस फैक्टर्स लिमिटिंग सेंसिटिविटी, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि सेंसिटिविटी को लिमिट कर सकते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ मेटल, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ मेटल, एनवायरमेंटल की कंडीशन क्या है। ज़्यादा टेम्परेचर मेटल डिटेक्टर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, 40 डिग्री से ऊपर जाने के बाद में मेटल डिटेक्टर के फंक्शंस पर गड़बड़ी आनी स्टार्ट हो जाती है और वो फिर कॉइल में फंक्शंस जो ट्रांसमिशन है उसका वो गलत इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देता है और वो फिर फॉल्स सेंसिंग करने लगता है, और जिसकी वजह से मेटल डिटेक्टर में समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और इंस्पेक्शन की स्पीड जिस टाइम आपने वैलिडेट किया है प्रोडक्ट को, अगर आप उतनी ही रखेंगे कंटिन्यूएशन में तो ठीक है, अगर आपने इंस्पेक्शन की स्पीड को बढ़ाया तब भी मेटल डिटेक्टर में प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स ये उसकी है जो कि इंग्रेडिएंट से मिलके प्रोसेस में मिलके वो बना हुआ है, अगर आप उन प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट भी चेंज करते हैं तब भी मेटल डिटेक्टर की सेंसिटिविटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइप ऑफ मेटल, आपको मेटल का वैलिडेशन करना मीन्स कि प्रोसेस में मेटल तो नहीं आ रहे हैं और कोई इस टाइप का मेटल तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है जो कि वैलिडेशन के टाइम पर नहीं था। शेप ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द मेटल, मतलब कि किस टाइप की शेप के
ओरिएंटेशन के मेटल के पीस आ रहे हैं, अगर कोई वायर बेस मेटल की कंटामिनेशन आ रही है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको सेंस मेटल डिटेक्टर नहीं कर पाता, जिसके के लिए मैं आगे स्लाइड में बताने वाला हूँ। और एनवायरमेंटल कंडीशन में अगर एनवायरमेंट गर्म हो गया है तब भी वो प्रॉब्लम करेगा। मैग्नेटिक परमिबिलिटी की हम बात कर ही चुके हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ मेटल डिटेक्टर विल वेरी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मेटल कंटामिनेशन प्रेजेंट। द केस ऑफ डिटेक्शन डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मेटल कंटामिनेंट। मेटल डिटेक्टर दो ही चीज़ों पर काम करेगा, या तो मैग्नेटिक परमिएबल होगा या फिर वो कंडक्टिव परमिएबल होगा। अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो मेटल डिटेक्टर काम नहीं करता, जैसे कि प्लास्टिक के पीस पे वो काम नहीं करता, क्योंकि वो ना तो वो मैग्नेटिक है और ना ही वो कंडक्टिव नेचर का है। एक इम्पॉर्टेंट फीचर है सामने, ये एक फूड सेफ फूड 360 से एक रेफरेंस के लिए लिया गया है। देखिए, अगर स्फेरिकल सेंसिटिविटी है तो इजीली डिटेक्टेबल है, और अगर वो वायर बेस फॉर्म में है, जैसे कि अगर स्फेरिकल सेंसिटिविटी देखें तो 1.2 mm में काम हो जाएगा, मतलब कि वो सेंस कर लेगा। लेकिन अगर स्टील की पेपर क्लिप है और उसका डायमीटर 0.95 mm है, तो 1.5 mm लंबी उसको छड़ चाहिए तभी वो सेंस कर पाएगा। और अगर टिन की कॉपर वायर है तो उसके लिए 3.5 mm की लंबी छड़ चाहिए तभी उसको वो सेंस कर पाएगा। स्फेरिकल सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है मेटल डिटेक्टर की, और अगर कोई क्लिप है या अल्पिन्स वगैरह होती हैं, पिन होती हैं, तो उनके लिए सेंसिटिविटी कम होती है। इसलिए हमको ध्यान रखना है वैलिडेशन के टाइम पे कि हमारे प्रोसेस में ऐसा तो नहीं है कि पिन्स के आने के चांसेस ज़्यादा हों, क्योंकि पिन्स के आने के अगर चांस होंगे तो मेटल डिटेक्टर की सेंसिटिविटी काम नहीं करेगी और हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू वैलिडेट मेटल डिटेक्टर, इट इज़ नेसेसरी टू शो दैट बिलो साइज मेटल क्लिप्स वायर मैश कैन नॉट अकर्ड एट एनी लेवल। अगर इससे नीचे की आपके यहाँ वायर क्लिप आने के चांसेस हैं तो मान के चलिए आपका प्रोसेस और आपका मेटल डिटेक्टर वैलिडेट नहीं हो पाएगा और आपके यहाँ प्रॉब्लम कंटिन्यू आती रहेंगी। हमको वी शुड हैव फोकस ऑन द एलिमिनेशन ऑन द वायर और टिनी पार्टिकल ऑफ वायर। हमको इन चीज़ों को अवॉइड करके चलना है, और प्लांट में ऑर्गेनाइजेशन में जब कभी वैलिडेशन करना है, इन चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से देख के ही वैलिडेशन करना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे मेटल डिटेक्टर से रिलेटेड। और